हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों कल एमडी सर ने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट दिए थे जिसको आपको जानना चाहिए, जिससे कि आप अपनी टीम को अपडेट दे पाएँ। और उस अपडेट जो अपडेट आया है, हो सकता हो उस अपडेट की वजह से आपकी टीम आपसे कुछ क्वेश्चन करें। और अगर आपने अपडेट नहीं अगर आपको अपडेट नहीं मिला है, तो हो सकता है आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत आ सकती है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं उसको जो एमडी सर का ऑडियो है वो मैं पूरा आपको सुना दूंगा। लेकिन शुरू में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देना चाहूँगा जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन इधर उधर से भी आए हुए हैं। हो सकता हो कि आपकी भी या आपकी टीम में ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे आसानी से। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोई भी मेनू कभी कभी काम नहीं कर रहा है। जैसे मेनू भी नहीं काम कर रहा है, या डैशबोर्ड पे जो फ्री टास्क, एक्टिव टास्क, टीम इन्फो और वॉलेट इन्फो का जो ऑप्शन दिया हुआ है डैशबोर्ड पे, उस पर भी क्लिक कर देने पे उसके बाद कोई पेज ओपन नहीं होता है। वो ऑप्शन काम नहीं करता है कुछ देर, काफ़ी टाइम तक। तो उसमें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एक ऐड लगा हुआ है, जो ऐड फुल स्क्रीन का ऐड है, तो वो कभी कभी ऐड ओपन नहीं होता है। तो ऐड ओपन नहीं होने की वजह से जब आपका ऐड ओपन हो जाएगा तो वो आपका मेनू काम करने लगेगा। तो ये एक दो दिन से प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी इसका शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप पेज को बार बार कई मरतबा रिफ्रेश करिए और पेज को रिफ्रेश करिए और उस मेनू पे क्लिक करिए। कई चार पाँच मरतबा लगातार क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कुछ देर रुक जाइए। एक बार क्लिक करके कुछ देर रुक जाइए और जब वो फुल स्क्रीन का ऐड आ जाएगा और उसके बाद देखिएगा, तुरंत तुरंत आपका जब क्लिक करेंगे तुरंत आपका मेनू ओपन हो जाएगा। आप जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वो ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। मान लीजिए आप टीम इन्फो पे क्लिक कर रहे हैं और फर्स्ट लेवल पे क्लिक करें, आपका नहीं हो रहा है, तो आप डैशबोर्ड पे क्लिक करिए और डैशबोर्ड पे चले जाइए। डैशबोर्ड काम करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर पेज को रिफ्रेश करिए एक बार जोर से। ऊपर से नीचे की तरफ आप खींचेंगे तो पेज देखेंगे ऊपर गोल गोल घूमेगा और आपका पेज रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप पेज को रिफ्रेश करिए और उसके बाद ओपन करिए, तो जब आपका वो फुल स्क्रीन का ऐड आ जाएगा आपका पेज आगे की तरफ ओपन होने लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन है संजय जी की तरफ से। संजय जी ने पूछा है कि वो आज सुबह सुबह टास्क पूरा कर रहे थे, तो उनका बार बार टास्क नहीं पूरा हो रहा था, बार बार रीट्राई का ऑप्शन आ जा रहा था, बार बार रेड कलर से लिख के आ जा रहा था और उनका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा था। उन्होंने आज काफ़ी टाइम लगा के उन्होंने टास्क पूरा किया है। तो सर जी, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। अगर आप में से भी किसी की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो आई बटन में ऊपर आपको आई बटन एक दिखेगी, आई लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। तो उसमें एक वीडियो डाल दूंगा, गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट सेट करना, तो उसमें आपको सारा कुछ बताया गया है, कुकीज़ क्लियर करना, एड्स को अलाउ करना, पॉपअप अलाउ करना और गूगल क्रोम को डिफ़ॉल्ट सेट करना, उसमें सारा कुछ है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, जैसे जैसे उसमें बताया गया है वैसे वैसे आप कर लीजिएगा। हो सकता हो कि आपका मोबाइल दूसरी कंपनी का हो, जिस कंपनी के मोबाइल में उसमें रियल मी के मोबाइल में करके दिखाया गया है। हो सकता हो आपका दूसरा मोबाइल है तो वो ऑप्शन आपका कहीं और आए, मतलब आपको ऐप में ही जाना है, उसी ऑप्शन को आपको ढूंढना है आपके मोबाइल में कहाँ है। तो हो सकता हो कि उस मोबाइल में जो ऑप्शन वहाँ पर हो, आपके मोबाइल में दूसरी जगह वो ऑप्शन हो, तो उस ऑप्शन को आप ढूंढ लीजिएगा। ये आपको सेटिंग में ही वो ऑप्शन में डिफरेंस दिखेगा, लेकिन जहाँ तक गूगल क्रोम की बात है सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम दिखेगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको गूगल क्रोम में जाना है और थ्री डॉट जो ऊपर आपको दिखती है एकदम कोने में, उस पर आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन होगा। मेनू में आपको नीचे जाना है, उसमें सेटिंग
सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, सेटिंग पे क्लिक करिएगा और उसके बाद आप प्राइवेसी पे क्लिक करिएगा। सेटिंग पे क्लिक करिएगा तो मेनू ओपन होगा, उसमें प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, प्राइवेसी पे क्लिक करिएगा और उसमें आपको कुकीज़ डाटा क्लियर और कई सारा ऑप्शन आपको दिया होगा तो कुकीज़ क्लियर आप पे क्लिक करिएगा और उसके बाद वहाँ पे ऑल टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। तीन ऑप्शन होगा वहाँ पे, तीनों ऑप्शन सेलेक्ट होगा और लास्ट आवर्स जो लिखा होगा उस पर क्लिक करके आप ऑल टाइम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लियर डाटा करिएगा, फिर आगे बढ़िएगा, फिर क्लियर डाटा करके पूरा डाटा क्लियर कर दीजिएगा और उसके बाद वहाँ से आप बाहर आइएगा। फिर ये मैं आपको जो ऑप्शन बता रहा हूँ ये गूगल क्रोम में ही मिलेगा। ये गूगल, फिर से गूगल क्रोम में आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग पे क्लिक करेंगे फिर साइट सेटिंग में जाना है। साइट सेटिंग में आपको ओपन जो आपका मेनू फिर ओपन होगा उसमें आपको पॉपअप का ऑप्शन दिखेगा तो उससे अगर वो ब्लॉक है तो उसे पे क्लिक करके आप उसे अलाउ कर दीजिएगा। एक और उसी के जस्ट नीचे दिखेगा एड्स, एड्स अगर ब्लॉक है तो उसे भी आप उस पर क्लिक करके अलाउ कर दीजिएगा। ये सारा कुछ ऊपर जो आई बटन में वीडियो है उसमें बताया गया है तो आप अच्छा होगा कि वीडियो देख लीजिए, आपका सारा हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों जो ऑप्शन बताए हमने ये आपको गूगल क्रोम में करना है और गूगल क्रोम को आपको डिफ़ॉल्ट सेट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मनोहर लाल जी पूछते हैं कि अर्निंग, जो अर्निंग कर रहे हैं हम उसे कैसे यूज़ करना है। तो मनोहर लाल जी मैं आपको बता दूं कि आप अगर फ्री में वर्क कर रहे हैं, अगर आपने आईडी एक्टिवेट नहीं की है तो आप जो इनकम कर रहे हैं उसको आप शॉपिंग करके उसे यूज़ कर सकते हैं। आपको आप अपनी आईडी ओपन करेंगे और गो टू वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे आपको ऊपर थ्री लाइन दिखेगी, थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा। उसमें आपको एक शॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, शॉपिंग पे क्लिक करिएगा। शॉपिंग पे क्लिक करिएगा दो ऑप्शन ओपन वहाँ पे और आ जाएंगे, शॉप नाउ और ऑर्डर माय ऑर्डर। तो शॉप नाउ पे क्लिक करिएगा और वहाँ पे जितने सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हैं और आपने जितनी इनकम की है अभी तक वो आपका पूरा पैसा यूज़ होगा। ऊपर ही आपको दिखा देगा कितना यूज़ होगा, इसलिए कि आपका 10% एडमिन चार्ज करता है। 10% एडमिन चार्ज करने के बाद आपका 100% वॉलेट यूज़ होगा और आपको डिलीवरी चार्ज पे करना होगा। तो आप उस अपनी इस अर्निंग को अगर आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं है तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आईडी एक्टिवेट है तो फ्री जो आपकी शॉप वॉलेट की इनकम हो रही इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी अगर आपने आईडी एक्टिवेट कर ली है तो आपको एक और वॉलेट में इनकम हो रही होगी जो कि कैश वॉलेट है। तो उस कैश वॉलेट का पैसा तब आप यूज़ कर पाएंगे जब आपका उसमें 224 रुपये हो जाएगा, 224 224 रुपये जब आपके हो जाएंगे तो वो आपके ऑटोमेटिक यूटिलिटी मनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, यानी कि रिचार्ज वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जिस दिन वो रिचार्ज वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी दिन, यानी कि जिस दिन आपके 224 रुपये पूरे होंगे उसी दिन आपके रिचार्ज वॉलेट में ट्रांसफ़र होगा और उस दिन चाहे आप उसके बाद कभी भी आप चाहें आप उस पैसे को रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। आप डीटीएच बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और सब ऑप्शन जो है वो कमिंग सून में हैं। तो उस पैसे को तब यूज़ कर पाएंगे आप। उसके बाद फिर आप पैसा इकट्ठा करेंगे और उसमें, और जब आपका 500 रुपये हो जाएगा तो फिर आप रिचार्ज वॉलेट में विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पैसे को रोक के आप बैंक विड्रॉल यानी IMPS विड्रॉल ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने इस पैसे को यूज़ करना है। तो कुछ सिस्टम दिए हुए हैं कंपनी, जो भी कंपनी में आप काम करेंगे उसके कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना होता है। तो इस कंपनी के ये रूल रेगुलेशन है, आपको जो इनकम कर रहे हैं उसके उस पैसे को आपको यूज़ करने के लिए ये करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और नहीं क्लियर हुआ होगा तो फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको और भी बताऊँगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सुजान मियाँ का। इन्होंने पूछा है कि सर जी इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने जीनियस 24 में एक क्वेश्चन का आंसर दिया। क्वेश्चन क्या था कि जीरो का आविष्कार किसने किया।
तो इन्होंने आर्यभट्ट पे लगाया और वो क्वेश्चन वो उनका आंसर जो है वो गलत हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए जीरो का आविष्कार तो आर्यभट्ट ने ही किया, फिर मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ? तो गलत देखिए, गलत इसलिए हुआ होगा कि आप वहाँ पे एक टाइमर चलता है, टाइमर ख़त्म जैसे ही हुआ होगा वैसे ही आपने क्वेश्चन का आंसर तब आपने पुटअप किया होगा, तब आपने क्वेश्चन का आंसर दिया होगा और सबमिट किया होगा। तो इसमें क्या है कि अगर आप 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड आपका ख़त्म हो जाता है और तब आंसर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक उस आंसर को वो रॉन्ग कर देता है। और या तो हो सकता हो कि आपने टाइम पे ही 30 सेकंड के अंदर ही आपने आंसर दे दिया हो, लेकिन हो सकता हो कि नेट आपका नहीं काम कर रहा होगा जिसकी वजह से वो आपका टाइम ख़त्म हो गया और उस क्वेश्चन को उसने रॉन्ग कर दिया। तो ये चीज़ है और देखते हैं, हो सकता है MD सर से बात करके एक और इसमें ऑप्शन लाने की कोशिश की जाएगी कि जिन जो लोग इसमें आंसर देते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन, जो लोग आंसर देते हैं तो वहाँ पे सही आंसर क्या है वो चीज़ भी आना चाहिए। तो देखिए जल्दी आ जाएगा उम्मीद है, अभी बात करेंगे तो वो आंसर वो चीज़ को भी वो ला देंगे। ठीक है, तो ये इसी की वजह से आपका गलत हुआ होगा, वैसे आपका आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिनेश महवर जी ने पूछा है, उन्होंने पूछा है कि एप्लीकेशन अपडेट आया हुआ है और अपडेट करने पे इनका एप्लीकेशन अपडेट नहीं हो रहा है। तो दिनेश महवर जी, मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो गया होगा। और आपको क्या करना है कि आप एप्लीकेशन को प्ले स्टोर में जाके, अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो प्ले स्टोर में जाइए। सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालिए और अपने मोबाइल को रिबूट करिए या तो स्विच ऑफ करके ऑन करिए, और उसके बाद आप प्ले स्टोर में जाइए और एप्लीकेशन को आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए, अपडेटेड वर्जन आपका डाउनलोड हो जाएगा। हो सकता हो कि कुछ कुछ मोबाइल में ऐसा हो रहा है कि अपडेट का ही ऑप्शन आ जा रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक शिकायत नहीं आई है। तो आप इस तरीके से करके देख लीजिए, हमें उम्मीद है कि आपका जो जो प्रॉब्लम थी वो उसका सॉल्यूशन हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है, अगर अभी भी आपकी प्रॉब्लम जस की तस बनी हुई है, तो फिर से कमेंट करिएगा पूरी डिटेल के साथ। अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को ले लेंगे हम, वैसे आपको वहाँ कमेंट बॉक्स में ही आपको जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों अगला अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमें रिचार्ज इनकम आती है यूटिलिटी की, यानी कि अपनी टीम जो रिचार्ज करती है वो जो इनकम आती है वो इनकम कहाँ ऐड होती है? तो मैं आपको बता दूं, वो इनकम टुडे कैश मनी में नहीं ऐड होती है, यस्टरडे कैश मनी में भी नहीं ऐड होती है। वो इनकम आपकी करेंट कैश मनी में इनकम होती है, ऐड होती है, यानी कि जो इस महीने की जहाँ इनकम शो करती है, करेंट कैश मनी उसे बोलते हैं, उसमें ही डायरेक्ट वो आपका पैसा ऐड होता जाता है डेली। जैसे ही आपके यहाँ पे आपके रिचार्ज वॉलेट में शो करता है वैसे ही वहाँ पे वो पैसा ऐड हो चुका होता है। तो इस चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये पैसा वहीं पे ऐड होता है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके रखे रहेंगे पहले का, तो इस चीज़ को आप मिला सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इस सारे क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को जवाब मिल चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी किसी की प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करिएगा, और आप में से भी अगर किसी के कोई क्वेश्चन हैं, आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ कुछ भी आपके मन में सवाल है RAGEO24 से को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और तो चलिए हम आपको MD सर का पूरा अपडेट सुना देते हैं। सो डियर ऑल लीडर्स, नेक्स्ट जो ऑडियो है अपनी वो है एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप सभी लोगों को मैं देना चाहूँगा, और इस इन्फॉर्मेशन को आप लोग अपनी अपनी टीम में भी शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू हुआ है हमारा 1 अप्रैल से, नया साल जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो यहाँ से कुछ लीगलिटी को लेकर के कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे की हैं एज पर गवर्नमेंट रूल।
तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि आप सभी लोगों की आईडी में फिलहाल आज एक अपडेट हुआ है। आप जब अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, उसके बाद गो टू वेबसाइट जाते हैं जहां पे आप अपने टास्क करते हैं, वहीं पे जो मेन्यू आता है जहां से आप अपने टीम इन्फो या फिर अपने वॉलेट को चेक करते हैं, वहां पे एक ऑप्शन होती है प्रोफाइल डिटेल। तो प्रोफाइल डिटेल के अंदर एक नई ऑप्शन आज आ चुकी है, और जब आप प्रोफाइल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगी केवाईसी डिटेल। जी हाँ, केवाईसी डिटेल के नाम से एक नई ऑप्शन आपको वहां पे मिलेगी। आपको उस केवाईसी डिटेल पे क्लिक करना है और वहां पे आपसे कुछ इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है जो कंपनी की तरफ से है, और वहां पे आपको डालना है अपना बैंक नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पैन नंबर और आपके पैन कार्ड की एक फोटो की इमेज। ठीक है, तो ये आपको अपलोड करनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए कंपलसरी है। लेकिन जैसा कि मैंने एक लास्ट ऑडियो में बताया था कि इस महीने से जो विड्रॉल है उसके अंदर एक नई ऑप्शन आ रही है, बैंक विड्रॉल। अभी तक हमारे यहाँ पे जो विड्रॉल की ऑप्शन थी वो थी रिचार्ज वॉलेट या फिर आईएमपीएस में, लेकिन अभी एक तीसरी ऑप्शन नई हमने इस महीने से शुरू की है जिसका नाम है बैंक विड्रॉल। आप इस बार जब 15 तारीख को विड्रॉल लगाएंगे तो वहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगी, यूटिलिटी, आईएमपीएस या बैंक विड्रॉल। तो वहां पे हमने जैसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी कि 4,999 रुपए तक की अमाउंट को आप आईएमपीएस में ले सकते हैं। अगर आपका पे आउट 5,000 या 5,000 से ऊपर है, जैसा कि इस बार काफी सारे लीडरों का है, तो आप सब लोगों को बैंक में विड्रॉल लेने के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी अनिवार्य है। यानी कि जिन लोगों का पे आउट 5,000 रुपए से ऊपर है तो उनका आईएमपीएस नहीं लगेगा, उनका बैंक विड्रॉल लगेगा, और जब वो बैंक विड्रॉल लगाएंगे तो उनकी बैंक की डिटेल हमारे पास होनी जरूरी है। और पैन नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि उनका जो टीडीएस कटेगा वो अब हर महीने जमा होगा। हर महीने मतलब कि जैसे इस महीने जैसे पे आउट जाएगा तो अगले महीने की 7 तारीख आपके पैन नंबर के ऊपर आपका टीडीएस जमा हो चुका होगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, जिन लोगों का भी पे आउट 5,000 या 5,000 से ऊपर बना है, जो इस बार 15 तारीख को अपना बैंक विड्रॉल लगाएंगे, उसका ऑप्शन ऑलरेडी आपके वेबसाइट के ऊपर आ चुका है। प्रोफाइल डिटेल में जाके वहां पे एक ऑप्शन आएगा केवाईसी डिटेल, और उस केवाईसी डिटेल में आपको आपका बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, पैन नंबर और पैन कार्ड की एक इमेज आपको अपलोड करनी है, और ये अपलोड करेंगे उसके बाद ही आपका विड्रॉल लगेगा, नहीं तो आपका विड्रॉल नहीं लग पाएगा क्योंकि हमें टाइमली टीडीएस जमा कराना होता है। अगर 7 तारीख को टीडीएस जमा नहीं कराया तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ती है। तो 5,000 से ऊपर जितना भी लोगों का पे आउट लगेगा उनका टीडीएस कटेगा, हर महीने जमा होगा, और उसके लिए आपकी ये डिटेल अनिवार्य है। तो आप इस डिटेल को आज भी फिल कर सकते हैं, कल फिल कर सकते हैं, नहीं तो जिस दिन आप 15 तारीख को विड्रॉल जब लगाएंगे, अगर आप बैंक विड्रॉल लगा रहे हैं और आपकी अगर ये डिटेल कंफर्म नहीं है, आपने नहीं डाली है, तो आप बैंक विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो जिन लोगों का भी 5,000 या 5,000 से ऊपर का पे आउट बना है, वो सभी लोग अपनी अपनी बैंक डिटेल केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, ये अनिवार्य है। बाकी के जो लोग हैं वो लोग पहले दिन से, जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं वो लोग पहले दिन से भी अगर अपनी केवाईसी की डिटेल भरना चाहें तो अपनी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन ऑलरेडी आपकी वेबसाइट पे आ चुकी है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एक वर्कआउट कर रहे हैं, इसमें आप सब लोगों को सहयोग भी करना है। अब इसमें हो सकता है कि आपकी डाउनलाइन से कोई बोले, नहीं सर मेरे पास तो पैन कार्ड नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, तो बहुत सारी क्वेरीज भी आएंगी, तो ये चीजें भी आपको हैंडल करनी होंगी। सर देखिए, हमने रिचार्ज के लिए कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको पैन नंबर होना चाहिए, आप रिचार्ज में वॉलेट लीजिए। आप आईएमपीएस के अंदर लेते हैं 5,000 तक, तब तक भी हमने पैन कार्ड नहीं मांगा, लेकिन जब 5,000 से ज्यादा की अमाउंट हम आपको बैंक विड्रॉल देने जा रहे हैं तो सर हमें भी गवर्नमेंट को सारी चीजें दिखानी होती हैं कि कितना पे आउट बना है, कितना टीडीएस कटा है, क्या चीजें हैं। वो चीजें हम तभी दिखा पाएंगे जब सारी चीजें प्रॉपरली होंगी। तो इसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी चाहिए और इसको प्रॉपर तरीके से करना है ताकि हम लोग लाइफ टाइम तक इस कॉन्सेप्ट से पैसा अर्निंग करते रहे। और अभी तो 5,000 से ऊपर के पे आउट की बात कर रहा हूं, बहुत जल्द हम 1 लाख से ऊपर के पे आउट की बात करेंगे।
और मुझे जहाँ तक उम्मीद है शायद अगले महीने हो सकता है बहुत सारे लोगों के पेआउट जो है वो 1 लाख को टच कर जाए, ऐसी मुझे उम्मीद है अगले महीने की। तो खैर फिलहाल ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सब लोगों को देना चाहता हूँ। इसके बाद अगली ऑडियो पे चलेंगे हम, जो एक फुल एंड फाइनल एक और ऑडियो होगी। सो थैंक यू। सो डियर ऑल लीडर्स, आज जो हमारा ये लाइव सेशन चल रहा है, आज के लाइव सेशंस की अब मैं एक आखिरी ऑडियो देने जा रहा हूँ। थोड़ी सी ऑडियो लंबी जरूर होगी, 10-15 मिनट की जरूर रहेगी, क्योंकि इस ऑडियो में मैं 2-3 चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं एक बात करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, सभी लीडर्स से। सर देखिए, एक चीज़ होती है जिसको हम अपडेशंस का नाम लेते हैं, अपडेट। अपडेट चाहे वो एप्लीकेशन में हो, चाहे वो वेबसाइट में हो, या हमारे सॉफ्टवेयर में हो, या हमारे सर्वर में हो। तो अपडेट सर एक ऐसी चीज़ है, या अपडेशन से एक ऐसी चीज़ है जिसको बोलते हैं जिंदा रहने की निशानी। जिंदा रहने की निशानी यानी कि जिस तरीके से एक इंसान, ऐसा तो है नहीं कि आज अगर आपने एक कपड़े पहन लिए हैं तो सारी ज़िंदगी आप कपड़े नहीं बदलेंगे। तो सर आपको वैसे तो रोज़ कपड़े बदलने चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे दिन कपड़े बदलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपडेशंस हो रही है, तो इसको अपडेशंस ही बोल लेते हैं। मैंने एक छोटा सा वैसे एग्जांपल दिया है। तो अपडेशंस लाइफ का एक हिस्सा है और जिंदा रहने की निशानी है। हाँ, मरने के बाद कोई अपडेशंस नहीं होता, बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ। मरने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन नहीं होता है इंसान की लाइफ में। तो हम सब लोग इंसान हैं और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो सर जब काम कर रहे हैं तो काम की ग्रोथ होती है, काम के अंदर बहुत सारी बढ़ोतरी होती है, नई नई चीज़ें होती हैं, नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, नए नए सिस्टम्स आते हैं, नए नए लीगल ऑप्शंस आती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सर। तो कहीं ना कहीं अपडेशंस को लेकर के कुछ लोगों का ये कहना है कि सर ये अपडेशंस नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि अपडेशंस होने से क्या होता है कि दिक्कत आने लग जाती है, ये होने लग जाता है, वो आने लग जाता है। तो सर एक्चुअली दिक्कत होती नहीं है, वो दिक्कत बन जाती है, वो नॉलेज की कमी की वजह से। तो अपनी नॉलेज को पूरा भरपूर रखें और अपनी टीम को भी हैंडल करें, क्योंकि अपडेशंस तो सर जब तक हम जिंदा हैं तब तक सर अपडेशंस तो जरूर होंगी। और हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सब जिंदा रहें, हमारा बिजनेस जिंदा रहे, राजीव शर्मा इस दुनिया में रहे ना रहे, ये बिजनेस हमेशा रहे, और इस बिजनेस से आप सभी लोग भरपूर पैसा कमाते रहें। और उसके लिए नई नई अपडेशंस भी आएंगी। अगर कोई हमारे साथ गलत एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा, तो उसको चाहे भले ही हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दुरुस्त जरूर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सर्वर की अपडेशन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर की अपडेशन हो, चाहे वो वेबसाइट की हो, एप्लीकेशन की हो, या कुछ भी हो, वो अपडेशंस जरूरी होती हैं, क्योंकि हमें जिंदा रहना है और हमें अपने बिजनेस को बहुत दुरुस्त तरीके से लेके चलना है। प्लान के अंदर कोई चेंजेस ना थी, ना है, ना होगी, लेकिन हाँ ये चीज हमने जरूर बोली थी कि प्लान कभी चेंज नहीं होगा। 2024 तक की पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की हुई है, लेकिन कुछ चीजें हमने वहां पे भी बोली थी कि अगर लीगलिटी की तरफ से कल को मान लीजिए, आज अगर हम बात करते हैं जीएसटी, मान लीजिए किसी चीज पे 12% है, कल को गवर्नमेंट हो सकता है उस पर 18% कर दे, तो सर एज पर गवर्नमेंट रूल हमें वो चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अगर कोई ऐसे चीजें आती हैं, कोई ऐसी चीजें लीगलिटी की तरफ से या किसी और चीज की तरफ से, अगर कोई चीज ऐसी आती है जहां पे हमारी मजबूरी होती है कुछ चीज चेंज करने की हल्का फुल्का, तो वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने कोशिश यही की है कि हम जल्दी से चेंजेस नहीं करेंगे, बहुत सोच समझ के ही कोई चेंज अगर करना पड़े तो शायद उसका हम एक जो सिस्टम है वो बना सकते हैं और उसको ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अपडेशन से सर बिल्कुल घबराना नहीं है। कुछ लोग घबरा जाते हैं कि सर एप्लीकेशन पे नया अपडेट आ गया। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ पहले से कि 25 तारीख से पहले पहले अभी हमारे एप्लीकेशन पे एक और अपडेट होगा। जिस एप्लीकेशन से आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हैं, इसी एप्लीकेशन को एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा 25 तारीख से पहले, और फिर उसके बाद फिर ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा।
बहुत रियल चांस हो सकता है कोई ज़्यादा मजबूरी हो तो शायद बाद में अपडेट करना पड़े, लेकिन जल्दी अपडेट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अभी 25 तारीख से पहले एक और अपडेट आएगा और उस अपडेट को भी आप लोगों को हैंडल करना है, और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ नया सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, काम होते हैं, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए की जाती हैं, ठीक है। तो सभी लीडरों की सहूलियत के लिए की जाती हैं, तो वो अपडेट से बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है और आप सभी लोगों को हैंडल होना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप लोगों को मुझे नहीं पता कि शायद सभी लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, हमारे इस कॉन्सेप्ट RSGO 24 का जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 5 अक्टूबर 2019 को। जी हाँ, 5 अक्टूबर 2019 को इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई थी। बहुत सारे लीडर जो पहले दिन जुड़े थे 5 अक्टूबर, उनको याद होगा 5 अक्टूबर से स्टार्टिंग हुई थी, और मैक्सिमम लोग जो ज्वाइनिंग है वो 6 अक्टूबर की है। तो आज अभी मई महीना चल रहा है, आधा महीना हो चुका है लगभग, और उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 4 महीने और बचे हैं। 4 महीने के बाद आज हम 1 साल पूरा करने वाले हैं, और मैं बड़ी बात नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम बात करें एड व्यू प्लान की, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर RSGO 24 पहली एक ऐसी कंपनी होगी जो एड व्यू प्लान के अंदर, फ्री कॉन्सेप्ट के अंदर अपना 1 साल पूरा करेगी। और इसका श्रेय भी मैं आप सभी लीडरों को देता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों की मेहनत है और आप सब लोगों ने ही इसको इस मुकाम पर पहुँचाया है। तो आप अपनी पीठ को जरूर थपथपाएं आज, और अपने आप को अप्रिशिएट करें कि आप लोगों की वजह से आज ये मुकाम हम लोग हासिल करने वाले हैं। और इस 1 साल के अंदर तो हम चाहे भले ही कंपनी को थोड़ा सा कुछ कोई नुकसान उठाना पड़े या कुछ लीगलिटी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन 1 साल पूरा होने के बाद हल्की फुल्की कुछ चेंजेस हो सकती हैं। प्लान को चेंजेस नहीं होंगी, कोई कैलकुलेशन को लेकर के चेंजेस नहीं होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके चेंजेस नहीं होंगी, किसी चीज को लेके चेंजेस नहीं होंगी, थोड़ी सी कुछ लीगलिटी की फॉर्मेलिटीज को पूरी करने के लिए हो सकता है मे बी, क्योंकि आने वाले समय के अंदर, क्योंकि अभी जो 2-3 महीने का जो लॉकडाउन का जो समय बीता है, तो इसको लेकर के अभी गवर्नमेंट बहुत सारी नई नई पॉलिसीज लेकर के आने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अभी फिलहाल सुनने को आ रही है, तो मैं पहले से आपको आगाह कर दूं, तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों के ऊपर सेस लगा दिया है, कोरोना सेस लगा दिया है। अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं, तो अभी कल हमने हमारा होटल के अंदर जो हमारा मिल्कमैन है, जो दूध वाला है, तो वो कल दूध वाला नहीं आया, तो हमने बाहर से मार्केट से पैकेट मंगाए, दूध के जो पैकेट आते हैं, तो दूध के पैकेट के ऊपर वो बाय चांस वैसे ही मैं टहल रहा था तो मेरे हाथ में आया, तो मुझे कुछ लगा उस पे, तो मैंने वैसे देखा उसको, तो वहां पे मिल्क के पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ था एक्स्ट्रा कोरोना सेस 1 रुपए पर पैकेट। तो इस चीज को लेके थोड़ी सी चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि आने वाले समय के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, मे बी 100% नहीं है कि ऐसा होगा ही, तो लेकिन हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस समय घाटे में है, और पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे देश की भी, क्या कहिए कि पूरे वर्ल्ड की बिगड़ी हुई है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो उसके लिए भी घबराना नहीं है। खुशी की बात यह है कि हम लोग 1 साल पूरा करने जा रहे हैं, और अक्टूबर के अंदर हमारा पूरा 1 साल हो जाएगा, और अगर हम इस कोरोना वायरस से जल्दी ही उम्मीद है कि बाहर भी आ जाएंगे अक्टूबर महीने तक, और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब हम लोग एक एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करेंगे, और बहुत ही जल्द वो भी समय आएगा जब हम सब लोग रूबरू होंगे, मिलेंगे, और आप सभी लीडरों के अचीवमेंट्स वहाँ पे घोषित की जाएगी। तब तक बहुत सारे लोग यहाँ पे 4th लेवल हो चुके होंगे, 3rd लेवल हो चुके होंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तब तक कोई ना कोई अच्छे अच्छे लीडर 5th लेवल भी अपने अचीवमेंट कर चुके होंगे। तो एक बहुत ये अच्छी बात रहेगी कि हम 1 साल पूरा करने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का भाव यह है कि आप सभी लीडरों की एक और जिम्मेवारी थोड़ी सी जो बनती है वो यही बनती है कि थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा एज अ बिजनेसमैन हो जाएं। सिर्फ एक ये नहीं कि बस किसी एक यूज़र की कॉल आ गई, उसने बोला सर ये परेशानी आ रही है, वो परेशानी आ रही है, सर अपडेट क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। सर देखिए, अपडेट होंगे, छोटे मोटे अपडेट जरूर होंगे, और जो भी अपडेट हो रहे हैं वो सबकी भलाई के लिए हो रहे हैं।
हम लोग कोई प्लान को बंद नहीं कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी अचीवमेंट की बात बताऊं, आप सभी लीडरों की वजह से, आप सभी लोगों के काम की वजह से, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से आज 8 महीने हो चुके हैं। इन 8 महीनों में सिंगल एक दिन, सिंगल वन डे भी हमारी कोई सर्विस बंद नहीं है, ना हमारा सर्वर बंद हुआ है, ना हमारा कोई रिचार्ज बंद हुआ है, ना कुछ हुआ है। हाँ, 1-2 घंटे के लिए कोई अपडेट हुआ तो बात अलग है, अदरवाइज कहीं पे भी किसी को कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है। और हमारा कस्टमर केयर भी बोलता है कि जी क्वेरीज तो आती हैं, लेकिन इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी आती कि हाँ भाई ये हो गया या वो हो गया। प्रोडक्ट भी डिलीवर हो रहे हैं, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया अभी, अदरवाइज प्रोडक्ट भी सबको टाइमली पहुंचे हैं। रिचार्ज बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, IMPS बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, वेबसाइट प्रॉपर चल रही है, पेआउट प्रॉपर बन रहे हैं, इनकम प्रॉपर बढ़ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप सब लोगों की, तो इसके लिए आप सब लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बस ये 4 महीने, और 4 महीने के बाद आप बन जाएंगे इंडिया के नंबर वन लीडर और नंबर वन कंपनी आप कहलाएंगे, कि इस हिंदुस्तान की आप पहली एक ऐसी कंपनी हैं जो फ्री कॉन्सेप्ट के अंदर, एड व्यू प्लान के अंदर आप लोगों ने 1 साल निकाल के दिखाया है। नहीं तो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो 1 साल पूरा कर चुकी होगी। और हम सिर्फ 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो 2024 तक की पूरी प्लानिंग है, और 2024 के बाद भी बहुत बड़ी प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि 2024 के बाद प्लानिंग नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हमने ब्लूप्रिंट बनाया है वो ऑलरेडी 2024 तक का बनाया है। और इस 1 साल के बाद यानी कि अक्टूबर महीने के बाद फिर हमारी कंपनी लेवल पे कुछ प्लानिंग होगी जो हम अगले 5 साल की फिर से प्लानिंग करेंगे। और अगले 5 साल का क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, किस तरीके से काम होगा, वो बहुत बड़े लेवल पे काम होने वाला है। और आप 2024 छोड़िए सर, सॉरी सर, बीच में एक कॉल आ गई थी जिस वजह से ऑडियो कट हो गई है, लेकिन मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था सर 2024 की प्लानिंग की, तो वो तो ऑलरेडी है, बनी हुई है पूरी, उसके बाद की आगे की प्लानिंग भी है हमारे पास। लेकिन अगर हम फिलहाल इस साल की बात करें तो सितंबर महीने में हम लोग अपना 1 साल पूरा कर रहे हैं, और पहला जो 1 साल था वो हमारा एक बिगिनिंग पीरियड था जिसके अंदर हमने कंपनी को बनाया, उसको सजाया, सवारा, उसको एक रूप दिया, और आप सब लोगों की मेहनत की वजह से हम पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेटवर्क बना पाए। लेकिन इस 1 साल के बाद हमारा जो अगला पीरियड है, अगला 1 साल जो होगा वो प्रोग्रेसिव पीरियड होगा, और इस अगले 1 साल के अंदर जो प्रोग्रेसिव हमारा पीरियड है उसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ बोले तो बहुत कुछ, बड़ी बड़ी कंपनियां सर आपके पास आएंगी, मैं आपको बता रहा हूं सर, बड़ी बड़ी कंपनियां आपके पास आएंगी। हम लोग अगर सब लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहें, आप इसी तरीके से नेटवर्क बनाते रहें, और इसी तरीके से पूरी पॉजिटिविटी के साथ अगर काम करते रहे, तो आने वाले समय के अंदर आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, बस सीना फाड़ के दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन आपको बस विश्वास करना होगा इस चीज पे कि आने वाला जो समय है वो आप सब लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है। और जिस तरीके से अभी जो हालात चल रहे हैं पूरी दुनिया के, सर मैं कहूंगा कि आप नंबर वन बनने वाले हैं, हम नंबर वन होंगे, 100% होंगे, ये विश्वास आप लोगों को भी करना होगा। और अपने अपने जो जिसको भी आप मानते हैं, परमेश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, वाहेगुरु को, भगवान को, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे भी आपको प्रार्थना करनी है कि बस हम जो काम कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, अपने लिए भी कर रहे हैं, दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, देश के लिए भी कर रहे हैं, विदेश के लिए भी कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे कि हाँ है मेरे परमेश्वर, बस हमें सद्बुद्धि दे, हमें मेहनत दे, हमें ताकत दे, और हम सब लोग मिलके एक नया इतिहास रच सकें, एक नया कारवा खड़ा कर सकें, तो सर मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो पूरी कुदरत है, ये कुदरत आपके लिए ही बनी है, और ये कुदरत आपका साथ देगी, हम सबका साथ देगी, और हम सब लोग मिलके इस कुदरत के साथ मिलके बहुत ही अच्छा काम करेंगे। ये पॉजिटिविटी, ये मेंटर, ये आप सब लोगों के अंदर होना चाहिए, और आप सभी लोग इसी पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहें, ऐसी ही मैं कामना करता हूं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले संडे। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।